इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में सुबह एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। युवक की बॉडी पर चोट के निशान दिखने से युवक की हत्या होना प्रतीत होता है। फिलहाल मौके पर पहुंची हीरानगर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई हॉस्पिटल भिजवा दिया और जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने भी युवक की हत्या का आरोप लगाया। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के MR10 ब्रिज के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में तुषार नामक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त करते हुए बताया कि मृतक तुषार बैतूल का रहने वाला है और जहां लाश मिली है उसी बिल्डिंग में बनाने का काम करता था, जहां पर मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि उसने एक अन्य दोस्त के साथ देर रात शराब पी थी और फिर किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। वहीं मृतक तुषार के परिजनों को आशंका है कि उसी विवाद के बाद तुषार को बिल्डिंग में धक्का दे दिया गया होगा, जहां मृतक तुषार के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं, जिससे तुषार की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवा अस्पताल भिजवा दिया है और जांच शुरू कर दी है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रणव है। क्या हुआ है, ये कौन है व्यक्ति? सर देखिए, ये मेरे मामा का लड़का है और इंदौर में काम से आया था, और ये जो घटना हुई है मुझे एक्चुअल में पता नहीं था। मेरे को 11:30 बजे, रात के 11:30 बजे मुझे पता चला, और मैं राव में रह रहा हूँ, मेरी साइट चल रही है, तो 12:30 के आसपास मैं पहुँच गया था घटना स्थल पर। तो आके देखा तो मेरा भाई जो है वो मृत पड़ा हुआ था। तो उनके साथ में जो लड़के थे सब एक ही गाँव के रहने वाले हैं, तो उनसे मैंने थोड़ा सा पूछताछ किया तो उससे ये पता चला सुजन नाम का एक लड़का है, तो इन दोनों में थोड़ी सी हाथापाई हुई, जिस दौरान मेरा भाई नीचे गिरा, गिर के मतलब उसकी डेथ हो गई। आपका नाम? मेरा जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रणव है। जबरदस्ती लग रहा है आपको, क्या लगता है शव को देखते? शव को देखते ऐसा लग रहा है कि उसको थोड़ी पर थोड़ी चोट जैसी कोई निशान है एक दो, और थोड़ा खून भी निकला हुआ है। इसके पीछे मूल कारण है जो है वो तो अभी PM के दौरान पता चलेगा। शॉर्ट PM रिपोर्ट हम डॉक्टर साहब से मांग रहे हैं, ताकि जल्दी से जो भी एविडेंसेस है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करें। क्या है मृतक का नाम? मृतक का नाम तुषार विश्वास है, मूल रूप से बैतूल का रहने वाला है, और ये MR10 ब्रिज के पास में जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है वहाँ पे एज मजदूरी के रूप में काम करता था। अभी तक ये जानकारी प्राप्त हो पाई। जो चोट है, चोट के पीछे के कारण क्या है वो तो जांच पर से आ जाएंगे। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कि मारपीट है, जो मेरे ख्याल से तो अभी जांच पर आ जाएगी। आपका नाम बताइए। ऐसा ही कमल किशोर, थाना हीरानगर, इंदौर। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।